अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, सेफ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि लास्ट वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हम आए हैं स्टेकेशन के लिए, तो ये हम अभी रूम से जो है वो नीचे आए हुए हैं। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट का एक्चुअली टाइम हो रहा है, ये सुबह के हो रहे हैं, 8 कुछ बज रहे हैं और हम बस रेडी वेडी होके जो है वो नीचे आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये देखें, ब्रेकफास्ट में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं और स्पेशली बच्चे जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, पैन केक्स हैं और इस टाइप के केक्स वगैरह हैं। तो बच्चे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी भी जो चीज़ें हैं वो अच्छी सी हैं यहाँ पर, यहाँ का जो ये ब्रेकफास्ट बूफे है, लंच भी और डिनर बूफे जो है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। मतलब हमें यहाँ का खाना जो है वो अच्छा लगा, वरना कहीं कहीं का ये होता है ना कि खाना जो है वो इतना ठीक नहीं लगता। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो अच्छी है। तो ये देखिए, ये ब्रेकफास्ट का टाइम है और यहाँ मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। तो घर में ये होता है कि हमारा जो नाश्ते का टाइम है वो होता है 11:30 बजे। जब स्कूल होती है आलिया की तब तो हम 7 बजे से उठे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी हम नाश्ता जो है वो लेट ही करते हैं क्योंकि इतना सुबह सुबह जो है ना खाया नहीं जाता और आदत भी नहीं है। जैसे पहले से हम लोग इसी टाइम पर नाश्ता वगैरह करते हैं तो जल्दी जो है वो बहुत वो होता है खाने में। लेकिन अब यहाँ आए हैं तो यहाँ पर इनका जो टाइम है बूफे, जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, वो 8 से 10 है। तो इसलिए अभी हम कुछ दिन से जो है ये 3-4 दिन से जब से यहाँ पर हैं तो फिर हम सुबह सुबह आ जाते हैं तैयार व्यार होके और नाश्ता कर लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर बाहर जो है बीच है तो वहाँ पर हम बीच पर जाते हैं वॉक के लिए। और सुबह जो है ना इतनी धूप भी नहीं आती, जैसे धूप आती है 10-11 बजे जो है वो एकदम कड़क सी धूप आ जाती है, तब गर्मी फिर बहुत फील होती है। तो सुबह का जो टाइम होता है ना 8-9 बजे का, तो उस टाइम पे इतनी गर्मी भी नहीं होती। तो हमने जैसे नाश्ता वगैरह कर लिया तो फिर हम यहाँ से रूम में नहीं जाते, फिर हम बीच साइड पर चले जाते हैं या पूल साइड पर चले जाते हैं और फिर वहाँ से एक अच्छी सी वॉक लेकर फिर जाते हैं रूम में। तो बस हम नीचे जाके हमारी वॉक हो चुकी है अच्छी सी और अब हम ऊपर आए हैं रूम में। और ये देखें सुबह सुबह, क्योंकि रात में सो रहे होते हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर क्योंकि साथ में बच्चे हैं तो ऐसी चीज़ें, तो ये वाली चीज़ तो मतलब बहुत ही नॉर्मल है। पूरा रूम जो है वो बहुत मैसी हुआ हुआ है। तो अभी हम ऊपर आ गए हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके, वॉक करके, तो अभी हम बुलाएँगे रूम सर्विस को और फिर रूम वगैरह जो है हर चीज़ पहले क्लीन करवाएँगे और फिर उसके बाद देखेंगे आज का प्लान क्या है। तो प्लान अभी जब से हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर तो बस यही हो रहा है कि सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बाद में थोड़ा वॉक वगैरह कर ली, फिर रूम में चले गए क्योंकि दोपहर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर हम 3 या 2-3 बजे फिर नीचे आते हैं और फिर हम पूल में जाते हैं, फिर पूल में थोड़ा सा बच्चे जो है वो बहुत इंजॉय करते हैं और फिर बाद में बीच साइड पर भी जो है वहाँ पर भी बहुत अच्छा सा है, तो बच्चे जो है वहाँ पर भी खेल रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रहा है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज का भी दिन जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। और ये देखिए अभी थोड़ा सा शाम का टाइम होने वाला है, धूप जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, हम पूल होकर आ गए हैं, बीच साइड पर होकर आ गए हैं। बीच साइड पर एक्चुअली बहुत सॉल्टी वाटर होता है, तो वहाँ बीच साइड पर भी हम होकर आ गए हैं। और अभी हम सोच रहे हैं चेंज वगैरह कर लें और फिर आज थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब से आए हैं ना तो हम चाय को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे होटल वगैरह में ये होता है कि टी बैग्स होती हैं, और हम जैसे घर में वो पका पका के चाय को पीते हैं ना, तो वो उसका टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ हम पी रहे हैं तो हमें चाय तो हम पी रहे हैं, लेकिन वो रियल टेस्ट जो है ना, वो घर का जो टेस्ट आता है या जो कड़क चाय का जो टेस्ट आता है वो नहीं मिल रहा। तो बस आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर निकलते हैं शाम के वक्त और फिर लॉन्ग ड्राइव, एक छोटी सी ड्राइव पर जाते हैं, लॉन्ग नहीं तो छोटी सी ड्राइव पे, और फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के आएंगे। तो ये देखिए, ये ना होटल का छोटा सा प्ले एरिया है, तो यहाँ पर बच्चे अभी क्योंकि इन लोगों ने देख लिया है तो फिर इनका ये था कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पर खेल लेते हैं और उसके बाद जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुश्किल से शायद 10 मिनट ही बच्चे खेले होंगे, क्योंकि गर्मी जो है ना शाम में धूप थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो उतनी ही रहती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो शाम में भी जो है आपको फ़ील होती है, मतलब एकदम जैसे बहुत गर्मी फील होती है, तो उसमें बाहर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों ने जो है वहाँ पर खेल लिया है और अब हम निकल रहे हैं बाहर। तो ये देखिए, ये बुहेरा कॉर्निश है और यहाँ से हम ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, यहाँ से हमें पूरा राउंड लगा के जब वापस आने के वक्त जो है हम चाय पियेंगे। ये देखें, ये सामने जो है इस मॉस्क, ये मस्जिद जो है, इस मॉस्क का नाम है नूर मॉस्क, और ये बहुत खूबसूरत है। जितनी खूबसूरत ये बाहर से लग रही है ना, मतलब उससे कई कई ज़्यादा ये खूबसूरत अंदर से है। इसका इंटीरियर जो है वो इतना अच्छा बनाया हुआ है, मतलब अंदर आप जाओ ना तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं बाहर ही नहीं आना, अंदर ही रहना है, और बहुत अच्छी सी खूबसूरत मस्जिद है। और ये देखें, अभी हम रूम के जो है वापस हम होटल के नज़दीक आ गए हैं ड्राइव करके, और यहाँ हमने ली है ये कड़क चाय। तो अभी जो है यहाँ पर हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे होटल में। डिनर हमने अभी नहीं किया है, डिनर हम जब होटल चले जाएंगे तो फिर वहाँ से करेंगे। तो ये हम जा रहे हैं होटल। तो ये था आज का दिन, ऐसा गुजरा हमारा दिन और बस बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और आप सब भी अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।